तो आज हमारे पास क्वेश्चन है, किसी बर्तन में 80 सेंटीमीटर पारे के दाब तथा उसी दाब पर कोई गैस भरी है। यदि भरी हुई गैस का द्रव्यमान 60% बढ़ा दें तो नया दाब क्या होगा? तो एक्चुअली में ये सवाल के हल करने के लिए हमें सबसे पहले एक फार्मूला पता होना चाहिए। पी इक्वल टू दाब इक्वल टू होता है 1/3 mn अपॉन वी इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, यानी वर्गमूल चाल का वर्ग। तो यहाँ से अगर देखा जाए पी प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा, तो पी प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा। और हमें पता है के की वैल्यू कितनी है, 1.38 इंटू 10^-23। अब यहाँ से अगर नया दाब पूछा जाए तो नया दाब के लिए क्या करेंगे, नया दाब जो है ये हो जाएगा, इसको मान लेंगे पी डैश इक्वल टू पहले वाला दाब प्लस पहले वाले दाब का 60%। इसका 60% निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पी प्लस पी इंटू 60/100। तो यहाँ से जब इसको हल किया जाएगा तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी पी ब्रैकेट में 1+2 से अगर काट देंगे 0 0 का, 2 3 6 एंड 2 5 3/5, और पी पहले क्या था 80 सेंटीमीटर, तो 80 × 1+3/5। इसको जब सॉल्व करेंगे 80 × 5 से डिवाइड करेंगे, 5+3 8, यह आ जाएगा 16 × 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 × 128 सेंटीमीटर पारा। तो ये हमारा नया दाब हो जाएगा, यानी पी डैश।